शाहजहांपुर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इससे पहले किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अमृत त्रिपाठी सरकारी कार से बाहर गए हुए थे। जिलाधिकारी के न मिलने से किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, लेकिन नगर मजिस्ट्रेट जब किसान यूनियन को संतुष्ट नहीं कर पाए तो किसान यूनियन के कार्यकर्ता भड़क गए और नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। एसपी सिटी को ज्ञापन देते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष जीशान रसा ने बताया कि हमारे ऊपर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमा मीरानपुर कटरा व जयतीपुर में दर्ज करवाया गया, उन मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए वरना किसान यूनियन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। साथ ही मंडल अध्यक्ष मुनेश्वर दयाल कठेरिया ने कहा कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो यूनियन द्वारा रोड जाम, रेल जाम एवं जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। टीम ने छापा मारा था खैरपुर कटरा तिलर, ये कहा था कि यहाँ पर अवैध खरीदारी हो रही है। जब छापा मारा मुझे राजकारों ने बुलाया तो उन्होंने कहा ये देख जी बात करिए। मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा मुझे आदेश हुआ है डीएम साहब का, मैं छापा मारने आया हूँ। तो हमने क्या माननीय योगी जी ने ये छूट प्रजाति की लकड़ी जंगलात से के चुंगल से मुक्त कर दी गई, चुंगल से मुक्त कर दी गई। तो मुझसे कहा तुम बड़े नेता बनते हो, मैं तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा ठोक दूंगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर हम गलत काम कर रहे हैं आप ठोक दीजिए। तो उन्होंने मेरा भी नाम इसमें सम्मिलित कर दिया है और मेरे खिलाफ भी मुकदमा कर दिया है, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है। मैं माननीय जो आप यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो, क्या है आपकी समस्या? मेरी समस्या ये है जो भी मुकदमे 8 लोगों पर किए गए हैं, वो जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं वो तत्काल वापस नहीं लिए गए। तो 1 सप्ताह के बाद मैं सारा मेरा प्रदेश संगठन सब रोड पे उतर जाएगा।